की बात होती है आजकल, तो विकास है या विनाश है? समझ गया। पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन, ये चार ऊर्जा के आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक उभय सम्मत स्रोत हैं। विकास के नाम पर ये चारों विकृत, दूषित, अक्षुब्ध या कुपित कर दिए गए, इसलिए विकास के गर्भ से विनाश के अतिरिक्त और कोई परिणाम निकलना संभव नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो आकाश आदि और उत्कृष्ट ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन भौतिकवादी भी जिसको मानते हैं वह स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन है। और दार्शनिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो हमारे आपके शरीर भी इन्हीं तत्वों से बने हैं। अगर हम समष्टि का पोषण नहीं करते, संरक्षण नहीं करते, उनको योजनाबद्ध ढंग से विकृत करते हैं, हमारा शरीर जीवन भी विकृत, दूषित हुए बिना नहीं रह सकता। महायंत्रों के माध्यम से जब विकास को क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलता है तो उसका परिणाम यह होता है कि कोई भी दिव्य वस्तु या व्यक्ति टिक नहीं सकता। ईश्वर के प्रबल संकल्प से बीज की केवल रक्षा हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति ठहाका मारकर हंसना चाहे और उसी समय गाल फुला के रहना भी चाहे, संभव नहीं है। गाल फुला के रहेगा तो ठहाका मार के हंस नहीं सकता, ठहाका मार के हंसेगा तो गाल फुला के रह नहीं सकता। ऐसे ही मनु जी ने सावधान किया कि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहेगा, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रहेगी, कल्पना मत कीजिए। समस्त विसंगतियों का मूल है महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग। महायंत्रक प्रवर्तनम, मनुस्मृति के 11वें अध्याय के 63वें श्लोक का यह वचन है। मनु जी ने कहा कि अराजकता है, उपातक है, हमारे ऋषि चाहते तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कर सकते थे, लेकिन विनाश का मूल है महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग। और जितनी भी विकास की परियोजनाएं हैं महायंत्रों पर निर्भर हैं। तो विकास को परिभाषित जिस ढंग से किया गया और क्रियान्वित जिस ढंग से किया गया, उस विकास के गर्भ से विस्फोट के अतिरिक्त कुछ मिलना नहीं है। इधर अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग किया कि तुम्हारे पूर्वज जंगली थे, असभ्य थे, उनकी कूटनीति को हमने अभिशाप न समझकर वरदान समझा और हमने महानगर को विकास का मापदंड मान लिया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि गांवों में अभी संयुक्त परिवार नहीं रहा, पलायन करने लगे महानगर की ओर। वन तो कटने लग गए और वन भी जहाँ शेष हैं कुछ अंशों में, वहाँ भी संयुक्त परिवार नहीं है, वनवासी भी वन में न रहकर महानगर की ओर भागने लगे। जबकि हमारी संस्कृति यह थी कि गुरुकुल, विद्यापीठ या विद्यालय वन में होते थे। संदीपन जी, व्यास जी, वशिष्ठ जी जैसे महर्षि सदगृहस्थ होते हुए भी वन में रहते थे, वानप्रस्थ वन में रहते थे, सन्यासी वन में रहते थे। आकर्षण का केंद्र वन था। वन में रहने से क्या होता था कि व्यक्ति विषय लंपटता बहिर्मुखता से दूर रहकर अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होता था। आकर्षण का केंद्र महानगर हो गया तो संयुक्त परिवार न वन में, न गांव में, न महानगर में। और संयुक्त परिवार के टूटने का फल यह होता है, हुआ है कि परंपरा प्राप्त कुलाचार, कुल देवी, कुल देवता, कुल वधू, कुल वर और कुल गुरु, इन सब का विलोप हो गया। और सभ्यता के नाम पर, विकास के नाम पर व्यक्ति भोजन करने, संतान उत्पन्न करने की मशीन बना दिया गया, यंत्र बना दिया गया। साथ ही साथ जो महानगर होते हैं
उनमें शुद्ध मिट्टी की न पहुंच होती है और मिट्टी से परहेज भी है, शुद्ध पानी से परहेज, अशुद्ध पानी की पहुंच नहीं, शुद्ध प्रकाश से परहेज, अशुद्ध प्रकाश की पहुंच नहीं, शुद्ध पवन से परहेज, अशुद्ध पवन की पहुंच नहीं, प्रचुर आकाश से परहेज, अप्रचुर आकाश की पहुंच नहीं, शुद्ध गंध नहीं, शुद्ध रस नहीं, शुद्ध रूप नहीं, शुद्ध स्पर्श नहीं, शुद्ध शब्द नहीं, शुद्ध मुस्कान नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, इसी का नाम महानगर है ना। तो मानव जीवन की अपूर्वता, जिस प्रयोजन की सिद्धि पशु आदि शरीरों में नहीं कर सकते, देवता वन के भी जिस प्रयोजन की सिद्धि दुर्गम है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए मानव जीवन मिला, और सृष्टि की संरचना भी उसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए हुई, तो सृष्टि की संरचना के प्रयोजन और मानव जीवन की सार्थकता दोनों पर पानी फेरने वाली परियोजना है विकास की। हो गया पर्याप्त? और कोई प्रश्न?